नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त विजय। जैसे कि आप जानते हैं कि YouTube अपने यूट्यूबर्स के लिए, अपने यूजर्स के लिए काफ़ी सारे अपडेट लाता रहता है, तो यहाँ पे YouTube ने बहुत बड़ा अपडेट ला दिया है, खास करके अपने क्रिएटर्स के लिए। तो ये अपडेट क्या है और जानने के लिए कैसे आदमी इसको फॉलो करता है, ये जानने के लिए आपको ये मेरा वीडियो एंड तक देखना होगा। तो चलिए एंड तक देखिएगा, इसे मिस नहीं कीजिएगा, और हम आपको बताते हैं कि अपडेट है क्या। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारे टेक्नोलॉजी अपडेट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्यारा सा बेल बटन दबा दें, ताकि मेरा अपडेट आप तक मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बता दें कि यूट्यूब ने ये बहुत पहले ही ऐलान किया था कि डिसलाइक का जो बटन है उसको रिमूव कर देगा, लेकिन उससे पहले वो एक निकाला था, सर्च अभियान निकाला था कि ये आखिर लोग डिसलाइक करते क्यों हैं, क्यों किया। YouTube का मानना था ये कि कोई अगर वीडियो अपलोड करते हैं और अपलोड करने के बाद किसी क्रिएटर्स को वीडियो पसंद नहीं आया तो वहाँ पे डिसलाइक कर सकता है, तो इस आधार पे YouTube ने डिसलाइक का बटन बनाया था। लेकिन जैसे ही वो अभियान चलाया, उसके बाद पता चला कि नहीं, कुछ लोग हेटर्स होते हैं जो कि अच्छे खासे वीडियो पर भी, जैसे ही वीडियो अपलोड करते हैं, जैसे मान लीजिए कि 5 मिनट का आपका वीडियो हो और अपलोड करने के बाद यानी 10 सेकेंड या 20 सेकेंड के बाद ही उस पर 10 डिसलाइक आ जाए, 20 डिसलाइक आ जाए, यानी मतलब कि डिसलाइक की संख्या ज़्यादा हो जाए, तो अब समझिए कि वो पूरा वीडियो भी नहीं देखा है और डिसलाइक बटन दबा दिया है। तो इस स्थिति में जो नए यूजर्स है, जो नए व्यूअर्स है, वहाँ पे जाता है तो वो देखता क्या रहे, इसमें तो इतना डिसलाइक है, इसके आधार पे वो डिसलाइक बटन देखकर डिसलाइक कर देता है और वीडियो को नहीं देखता है। तो ये यूट्यूब ने सर्च किया और वो पाया कि नहीं, ये कुछ लोग हीटर्स हैं जिसके कारण ये डिसलाइक की संख्या ज़्यादा होती है। तो उसको यूट्यूब ने ये फैसला किया है कि आने वाले समय में डिसलाइक की बटन तो रिमूव नहीं हो सकता है, बट डिसलाइक का जो नंबर्स है वो सिर्फ और सिर्फ क्रिएटर्स देख सकता है, ना कि व्यूअर्स देख सकते हैं। जैसे कि हमने डिसलाइक कर दिया है तो उसके बाद जो नए व्यूअर्स हैं उनके पास वो डिसलाइक का नंबर नहीं जाएगा, वो सिर्फ हमारे पास आएगा, वो भी हम एनालाइज में देख सकते हैं कि हमारे वीडियो पे डिसलाइक कितना हुआ है। तो ये काफ़ी मज़ेदार ऐप है और इससे जितने क्रिएटर्स हैं, छोटे मोटे हैं या अच्छे भी हैं, जिनके डिसलाइक के चलते वीडियो रैंकिंग में नहीं आ सकती है, और कुछ लोग चाहते हैं कि मान लीजिए कि कोई वीडियो आ गया था, अरे इसका है, इस बंदे का वीडियो डिसलाइक करो, देखना नहीं है, डिसलाइक कर देते हैं तो बाकी लोग भी नहीं देखते। तो अब ऐसा नहीं होगा कि यूट्यूब ने ये समझ चुका है कि कुछ लोगों के चलते बहुत सारे वीडियो को नहीं दिखाया जाता, तो ये डिसलाइक का बटन रिमूव नहीं होगा, बट वहाँ पे जो डिसलाइक का नंबर शो करता था वो अब शो नहीं करेगा। तो दोस्तों ये अपडेट आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि इससे काफ़ी लोगों की वीडियो रैंकिंग में होगी और व्यू भी बढ़ेगा। जितने लोग डिसलाइक के चलते व्यू नहीं देते थे, यानी उस वीडियो को नहीं देखते थे कि इसमें डिसलाइक इतना है तो ये वीडियो अच्छा नहीं होगा, वो सारे लोग इस वीडियो को देखेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।